सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग एंगल सामने आने के बाद मामले की जांच कर रहे एनसीबी ने रविवार सुबह रिया चक्रवर्ती को पूछताछ का समन दिया है। एनसीबी ने पहले ही इस मामले में शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत को हिरासत में ले लिया है। अब माना जा रहा है कि पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती को भी हिरासत में लिया जा सकता है। इस मामले पर रिया के वकील सतीश मानेशिंदे का रिएक्शन भी आया है। सुशांत केस में रिया और उनके परिवार की पैरवी कर रहे वकील सतीश मानेशिंदे ने कहा है कि रिया चक्रवर्ती मामले में गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। रिया के वकील ने कहा, रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं क्योंकि उन्हें बुरा भला कहकर निशाना बनाया जा रहा है। अगर किसी को प्यार करना जुर्म है तो रिया इस जुर्म के परिणाम भुगतने को तैयार हैं। बेकसूर होने के कारण वो किसी भी कोर्ट में बिहार पुलिस, सीबीआई, ईडी या एनसीबी के लगाए गए मामलों में अग्रिम जमानत लेने के लिए नहीं गई हैं। आपको बता दें, पहले ही अंदाजा लगाया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती को हिरासत में लिया जा सकता है। पहले पूछताछ के लिए देरी से निकलने और फिर सतीश मानेशिंदे के बयान के बाद अब ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि रिया के परिवार और वकील को शायद इस बात का एहसास है कि गिरफ्तारी से बचना मुश्किल है। माना जा रहा है कि आज रिया से शौविक, सैमुअल और दीपेश के सामने बिठाकर पूछताछ की जा सकती है। शौविक और सैमुअल 9 सितंबर तक एनसीबी की हिरासत में हैं, जबकि दीपेश को आज कोर्ट में पेश किया जाना है। जी हाँ, आपको बताते चलें, रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती और सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को शुक्रवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार किया है। उन पर अवैध ड्रग डीलिंग में इन्वॉल्व होने का आरोप है। ईडी ने रिया के कई चैट्स शेयर किए। इसके बाद सुशांत केस में ड्रग एंगल भी निकल कर आया। सुशांत की बहन प्रियंका के भी कुछ मैसेजेस सामने आए हैं जिनमें वो सुशांत को कुछ दवाएं बताती दिखी। उन्हीं पॉइंट्स के आधार पर शौविक के लॉयर सतीश मानेशिंदे ने उनकी बेल के लिए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जोशी के सामने कुछ बातें रखी। उन्होंने बताया कि शौविक की बहन रिया चक्रवर्ती सुशांत से 2013 में YRF में मिली थी। इसके बाद 13 अप्रैल 2019 के बाद दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। वो 8 जून 2020 तक सुशांत के साथ रही। मानेशिंदे ने बताया कि ट्रीटमेंट को लेकर हुई बहस के बाद सुशांत ने रिया के घर से सारा सामान लेकर चले जाने को कहा था। उन्होंने बताया कि उनकी बहन प्रियंका की बताई गई और बिना प्रिस्क्रिप्शन की दवाई लेना चाहते थे। जिस डॉक्टर ने दवाएं दी थी उसने सुशांत से कभी कंसल्ट नहीं किया था। रिया इस बात पर जोर दे रही थी कि सुशांत उन 5 डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट जारी रखें जिनसे उन्होंने मुंबई में कंसल्ट किया था। उन्होंने ट्रीटमेंट रोक दिया था और दवाएं नहीं ले रहे थे। इसके उलट वो साइकोट्रॉपिक ड्रग्स नियमित रूप से ले रहे थे। डॉक्टर्स ने उन्हें इसके लिए मना भी किया था। मानेशिंदे ने दावा किया है कि शौविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती ने कभी कोई नार्कोटिक साइकोट्रॉपिक ड्रग नहीं ली। ब्लड और ड्रग टेस्ट देने के लिए तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नव भारत टाइम्स।